दुर्ग नगर निगम ने गौरव पथ पर लगाए गए अवैध गुमटियों और दुकानों को हटाने की कार्यवाही की। दुर्ग नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाइयां कर सड़क किनारे लगाए गए गुमटी ठेला पर कार्रवाई कर समझाइश दी जा रही है। बावजूद इसके फिर भी अवैध कब्जाधारी दुकानदार अपनी गुमटियों को हटाने की बजाय वापस सजकर वहीं पर काबिज हो जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को दुर्ग के गौरव पथ पर लगी गुमटियों, ठेलों और दुकानों को दुर्ग नगर निगम की अतिक्रमण विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया, साथ ही उन्हें मानस भवन के पास चयनित स्थल पर जाने की सलाह दी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग और बाजार विभाग के अधिकारी मोहम्मद जावेद ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। जो है हमारा जो नॉन वेंडिंग जोन है, नॉन वेंडिंग जोन के अंतर्गत जो फल वाले बैठे थे उनको जो है मानस भवन के पास में जो है वहाँ गुमटियाँ निर्मित की गई है और कुछ खाली जगह भी है। इन लोगों को कंटिन्यू हम लोग सूचित किया जा रहा था। आज आयुक्त महोदय के निर्देश पर आयुक्त महोदय खुद की उनकी उपस्थिति में ये कार्रवाई की गई है और सबको वहाँ भेजा जा रहा है। जिसको गुमटी मिली है वो गुमटी में शिफ्ट होंगे और जो गुमटी के लिए आवेदन नहीं लगाया है उनको वहाँ कहा गया है कि गुमटी के लिए आवेदन लगाए ताकि जो बाकी खाली जगह बची है वहाँ पे आप लोगों को गुमटी अलाटमेंट की जाएगी। ये अभी जैसे इस रोड पे हो रही है गौरव पथ पे, इसके बाद आगे में जो है जी रोड में भी पिछले बार कुछ दिन पहले चली थी, समृद्धि मार्केट के सामने भी चलेगी, वहाँ भी जो है फल मार्केट वाले बैठते हैं उनको भी मानस भवन के पास बैठाया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।